आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एथिलीन। एथिलीन एक गैसियस हार्मोन होता है या फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करता है। प्लांट में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के वाइड रेंज को एथिलीन एक्सिबिट करता है। इन एराबिडोप्सिस थैलेना एंड अदर प्लांट्स एथिलीन रिस्पॉन्सेस आर निगेटिवली रेगुलेटेड बाय आर रिसेप्टर जीन फैमिली। एथिलीन बाइंडिंग रिसेप्टर प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन एराबिडोप्सिस थैलेना टोमेटो एंड अदर प्लांट्स में किया गया है। इस रिसेप्टर प्रोटीन को ETR1 के नाम से जाना जाता है। इस रिसेप्टर प्रोटीन ETR1 के अलावा भी चार अदर रिसेप्टर प्रोटीन ETR2, ERS1, ERS2 और EIN4 रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं। साइटोकाइनिन रिसेप्टर के समान ही एथिलीन रिसेप्टर ETR1 एंड अदर फोर रिसेप्टर प्रोटीन्स ETR2, ERS1, ERS2 एंड EIN4 बैक्टीरियल टू कंपोनेंट सेंसर हिस्टिडिन काइनेज के सिमिलर होते हैं। दो पॉलीपेप्टाइड का डाइमर सल्फर बॉन्ड से बाइंड होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट रहता है। डाइमर रिसेप्टर प्रोटीन के एच पॉलीपेप्टाइड में तीन डोमेन कंसिस्ट होते हैं, एमिनो टर्मिनल डोमेन, मिडिल हिस्टिडिन काइनेज डोमेन, रिसीवर डोमेन टुवार्ड द कार्बोक्सिल टर्मिनल ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। एथिलीन का रिसेप्टर के डोमेन में बाइंडिंग कॉपर कोफैक्टर के थ्रू होता है। साइटोसोल में एथिलीन का रिसेप्टर में बाइंडिंग से प्रोटीन काइनेज CTR1 इनएक्टिव हो जाते हैं। CTR1 प्रोटीन काइनेज के इनएक्टिवेशन से ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन E1N2 फंक्शनली एक्टिव हो जाते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन E1N2 के एक्टिवेशन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिव हो जाते हैं और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन एक्सप्रेशन एंड एथिलीन रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करता है। ये एथिलीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पाथवे। इसमें ETR1 में तीन पार्ट कंसिस्ट होते हैं, एमिनो टर्मिनल डोमेन, हिस्टिडिन काइनेज डोमेन और रिसीवर डोमेन। यह ETR1 डाइमर के फॉर्म में होता है और इसका प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड सल्फर बॉन्ड के थ्रू बाइंड होता है। इसके सेंटर में कॉपर कोफैक्टर प्रेजेंट रहता है। एथिलीन इसी कॉपर कोफैक्टर के थ्रू एंटर करता है। एथिलीन का कॉपर कोफैक्टर में बाइंडिंग से ATP ADP में कन्वर्ट हो जाता है। इस टाइम एक फॉस्फेट रिलीज होता है। यह फॉस्फेट हिस्टिडिन काइनेज डोमेन से बाइंड करता है। अब हिस्टिडिन काइनेज डोमेन फॉस्फोराइलेटेड हो जाता है। इसके बाद इस फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर रिसीवर डोमेन में होता है, जिससे रिसीवर डोमेन फॉस्फोराइलेटेड हो जाता है। एथिलीन का साइटोसोल में रिसेप्टर में बाइंडिंग से प्रोटीन काइनेज CTR1 इनएक्टिव हो जाते हैं। इस CTR1 के इनएक्टिवेशन से E1N2 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एक्टिव हो जाते हैं। इस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन E1N2 के एक्टिवेशन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिव हो जाते हैं और यह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन एक्सप्रेशन और एथिलीन रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करता है।